यही चाहती हूँ कि कम से कम प्रदेश में 5 ऐसी जगह बने कि बड़ा सा एक धर्मशाला हो, ताकि पूरा देश भर के किन्नर आके उस धर्मशाला में रुक सके। अपना हम लोग का त्यौहार होती है, हम लोग का वो उत्सव मनाते हैं, उस गेस्ट हाउस में हम लोग उत्सव मना सके, उस धर्मशाला में उत्सव मना सके, इसके लिए मैं सरकार से अपील करूँगी और काम करूँगी। यही हमारा अभी तो मेरा उद्देश्य है। 2022 का चुनाव है और फिर से सभी पार्टियां ने पूरी एकदम मतलब कहते हैं ना कि पूरा दम झोंक दी है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आपको भी एक पद मिला है। आगामी चुनाव में किन्नर समाज क्या देख रहा है और किस तरह से प्रचार प्रसार करेगी योगी आदित्यनाथ? हाँ बिल्कुल, किन्नर समाज के लिए तो योगी सरकार ने बहुत सराहनीय काम करते हुए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे नोएडा में मेट्रो स्टेशन में जितने भी वहाँ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं वो सब एक किन्नर पूरा किन्नर है, ये सबसे बड़ी उन्होंने एक उपलब्धि है। और दूसरी उपलब्धि, किन्नरों को भी पैतृक संपत्ति पे अधिकार, जैसे लड़का लड़की जैसे बेटा बेटी को अपने पितृक संपत्ति पे अधिकार हुए, वैसे ही अब किन्नरों को भी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लागू कर दिया कि हम भी अपने पैतृक संपत्ति पे अपना हक ले सकते हैं। इस ये बहुत बड़ी पहल है। और दूसरी, हमारे कुशीनगर जिला में किन्नरों के लिए स्कूल कॉलेज बना हुआ है, अभी बन रही है, ये उपलब्धियाँ है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे काम किया योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, तो मेरा यही उद्देश्य है, मेरा यही मैं कामना करती हूँ कि 2022 में फिर से हमारा बीजेपी सरकार आवे, फिर से हमारे उत्तर प्रदेश में कमल के फूल खिले और हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे योगी जी ही बने। आपका सपोर्ट पूरा है? जी बिल्कुल, 100% सपोर्ट रहेगा, पूरा हमारे किन्नर समाज के सपोर्ट है। मांग मिले।